सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत सारे लोग का, मैंने यहाँ पर जो है वीडियो बनाना छोड़ दिया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, लेकिन बहुत सारे बैंकों का जो अभी जो APS ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसके बीच में जो है ना हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा मैसेज आया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। बहुत सारे लोग हमें ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकलने लगा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक का पैसा नहीं निकल रहा है, और बहुत सारी जो क्वेश्चन आंसर है CSP को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, या फिर APS ID को लेकर और APS ट्रांजेक्शन को लेकर, SBI बैंक के भी ट्रांजेक्शन को लेकर हम बात करने वाले हैं। क्या आपका जो है पैसा निकल पा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर या सेंट्रल बैंक के अंदर, और आप लोग निकालोगे तो निकाल कैसे सकते हो, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो इस पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है और यहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे टैग किए हैं कि सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा जो है वो सब CSP वालों का निकलने लगा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है रिस्ट्रिक्शन जो लगाए हुए थे अपने APS को ट्रांजैक्शन के ऊपर, वो जो है अब हटा चुका है और सभी का पैसा निकलने लगा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था APS ID को लेके, क्या इसको हटा चुका है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताते हैं। इसके साथ साथ जो है ना, मुझे ये भी कमेंट आया है कि अभी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा सब CSP वाले नहीं निकाल पा रहे, तो ये क्यों नहीं निकाल पा रहे, इसका भी हम रीजन बताएंगे, ठीक है। और आप लोग निकाल कैसे सकते हैं इस वीडियो में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, वो 7 से 8 महीने पहले ही अपना APS ID जो है वो प्राइवेट कंपनी से यहाँ पे बंद कर चुका है। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो आप पैसा निकाल रहे थे, यहाँ पर 6-7 महीने पहले ही जो है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं निकल रहा है, और बहुत सारे ग्राहक का निकल भी पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन से ग्राहक निकाल सकते हैं और कौन से ग्राहक का नहीं निकल रहा है। सबसे पहले ये अफवाह उड़ी थी बैंक के तरफ से कि जिसका मेंटेन बैलेंस वाला अकाउंट होगा उसका पैसा APS से निकलेगा, फिर पता चला कि जिसका जीरो बैलेंस से अकाउंट है उसका भी पैसा निकल रहा है। तो यहाँ पर ये सब बातें की जा रही थी जब इसका APS ID डिसेबल किया गया था, तो ठीक है। तो अभी जैसा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी सेम प्रोसेस है, बहुत सारे जो भी प्राइवेट CSP ले रखे हैं दोस्तों, उसका पैसा उससे नहीं निकल पा रहा है। और आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये काफ़ी बड़े सेक्टर के बैंक है और इसके ग्राहक भी काफ़ी ज़्यादा है। जो भी APS कंपनी का ID लेकर यूज़ करते हैं, दुकान को यहाँ पर चलाते हैं, जो भी यहाँ पर उसके पास ग्राहक है, ये तीनों बैंक का ही ज़्यादा, उसके CSP पर जो विजिट करते हैं ज़्यादातर, ये तीनों बैंक के ही यहाँ पर जो है संचालक आते हैं और पैसा निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, तीनों बैंक जो है रिस्ट्रिक्शन लगा चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो पहले ही लगाया था, 1 साल पहले ही लगाया, उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दिया, अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा दिया था, लेकिन अभी जो है निकल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा। यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था APS ID को लेकर कि आप लोग पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है SBI की तरफ से बताया गया था कि जिन लोगों का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उसका ही पैसा नहीं निकलेगा APS से। यहाँ पर फ्रॉड को लेकर बात की गई थी, APS वाले जो फ्रॉड कर रहे थे उसी को लेकर SBI ने ये बात किया था और कहा था। तो यहाँ पर जो लोग अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, KYC अपडेट करवाएं, उसका फिर से पैसा निकलने लगा है। और यहाँ पे अभी हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी का पैसा निकल रहा है किसी का नहीं निकल रहा है। देखिए दोस्तों, जिन ग्राहक का पैसा नहीं निकल रहा है, ठीक है, हो सकता है उसके KYC में कुछ अपडेट करवाने का यहाँ पर आवश्यकता हो, तो उसको जो है एक बार आप यहाँ पर जो है यहाँ पर एक गाइड कीजिए और उसको कहिए कि मैम या सर, जो आपके शॉप में जो भी आते हैं वो जो है आप एक बार विजिट करिए ब्रांच के अंदर, ब्रांच के अंदर जाके एक बार चेक करवा लीजिए कि आपके अकाउंट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। ये ऐसा होता है कि बहुत सारे जो होते हैं कि बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र वाले ऐसे होते हैं जो अकाउंट ओपनिंग करते हैं, और मिनी यहाँ पर जो भी ब्रांच ID लेकर अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसमें क्या होता है, आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, ग्राहक बहुत परेशान हो जाते हैं, होते हैं तो 1 साल बाद जो अपडेट उसको फिर से करवाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट बैंक में नहीं जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, बहुत सारे लोग जो है मिनी ब्रांच से, जो भी साइड में मिनी ब्रांच होता है, ब्रांच के साइड में ही जो CSP लेके बैठे होते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, उससे ही ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो दरअसल वो क्या होता है कि 1 साल के बाद फिर से उसको KYC करवाना पड़ता है, तो 1 साल तो वो पैसा निकालता ठीक ठाक है, ठीक है, तो उसके बाद जो उसको KYC करवाना पड़ता है, तो ये जो है ना, आपको कोई भी ग्राहक का जिसका पैसा नहीं निकल रहा है उसको आप बोलिए कि मैम जो है या फिर सर जो है आप एक बार बैंक में जाइए और वहां पर जाके अपना चेक करवाइए, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगी होगी ब्रांच मैनेजर के थ्रू
थ्रू जो है उसको हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर रही बात कि आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी प्राइवेट कंपनी से पैसा निकल पा रहा है और मैंने खुद निकाला है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी पैसा निकल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का सिर्फ नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करवा रहा है, मेरे पास खुद पर्सनली जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर अकाउंट है तो मेरा खुद का पैसा भी नहीं निकलता है मेरे अकाउंट से बैंक ऑफ बड़ौदा में, और मेरे खुद फ्रेंड का जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो उसका मैंने खुद ट्रांजेक्शन किया तो उसका हो रहा है। ठीक है, पहले उसका भी नहीं हो रहा था लेकिन वो जो एक बार ब्रांच में गए तो कुछ एरर था, उसको ठीक करवाने के बाद उसका पैसा फिर निकलने लगा। ठीक है, तो आप लोग जो ध्यान दीजिए और CSP वाले जितने भाई हैं यहाँ पर जो है जो भी ग्राहक आपके शॉप पे आते हैं जिसका पैसा नहीं निकल पा रहा है आप उसको सही से गाइड करिए और सही तरीके से प्यार से समझाइए कि सर आप बैंक में जाइए, बैंक में जाने के बाद अपडेट करवा लीजिए, आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा और आपका पैसा फिर जहाँ से चाहे वहाँ से निकाल सकते हैं। और आप लोग जो है ना एक चीज़ दिल से निकाल दीजिए कि हम किसी के साथ फ्रॉड करेंगे, फ्रॉड को लेकर ही NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये यहाँ पर कदम उठाया है और APS ID को सस्पेंड कर दे रहा थोड़ी सी गलती करने पे। ठीक है, तो आप लोग जो है जितना पैसा निकालते हैं ईमानदारी से पैसा निकालिए, मुझे पता है कि आप लोग जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे 70% ऐसे लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और 10% या 30% ऐसे लोग हैं दोस्तों जो फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड करने के बाद देखिए दोस्तों आपका जो है एक दिन का काम है नहीं, अगर आप फ्रॉड करिएगा तो रोज का यहाँ पे आपको चलने वाला है नहीं, फ्रॉड करते तो कितना दिन कर सकते हैं, बहुत से 1 से 2 महीना, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, आपका ID सस्पेंड हो जाता है, या फिर जो है आप यहाँ पर लाइफ टाइम काम करना चाहते हैं तो ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी, हम जो आपको समझाएं वो समझ गए होंगे, फिर भी कोई दिक्कत है या कोई सी भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, उम्मीद करते हैं आपके कमेंट्स पे अगला वीडियो बना देंगे हम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।